देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के चानन के मध्य विद्यालय धनवा से है, जहां मध्य विद्यालय धनवा में बच्चों को पढ़ाई परिपूर्ण तरीके से मिलती है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहां बच्चों को परिपूर्ण तरीके से खाना भी मिल पा रहा है। बच्चे किस तरीके से खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सवाल यहां के रसोई घर की आती है तो कहीं ना कहीं मन मिजाज बदल जाता है कि क्या ऐसा भी कोई रसोई घर होता है। ये धनवा विद्यालय का रसोई घर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि रसोई का सारा सामान यहां रखा गया है। यहां आपका रसोईया भी प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि तीनों रसोईया यहां पर खड़ा है और साथ में इधर देख सकते हैं कि आज खाना भी बना, खाना कोयले पर बना। स्थिति क्या है इसे तो साफ देखकर समझा जा सकता है। ये आप पीछे जो देख रहे हैं जहां पर जग रखा गया है वह अलमारी है, और ठीक जस्ट इसी के बीच में आप यह भी देख सकते हैं कि यहां भी आपका अलमारी है। तीसरी दिशा में आप देख सकते हैं कि यहां यह खिड़की है जिसमें कोई भी दरवाजा नहीं लगा हुआ है। बात करेंगे इसका मुख्य द्वार का तो यहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई दरवाजा नहीं है। तीसरी तरफ इस खिड़की को देख करके आप साफ समझ सकते हैं कि यहां पर भी कोई पल्ला नहीं लगा हुआ है। आपको बाहरी परिसर से बच्चे भी नजर आ रहे होंगे, अंदर परिसर से भी बच्चे नजर आ रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि अगर इस रसोई घर से कोई सामग्री गायब हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। दूसरी तरफ अगर खाना बनाते वक्त इस खाने में कहीं कोई बाहरी परिसर से कोई गलत काम कर दे तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। यहाँ के रसोईया ने बताया कि ना तो यहाँ जल की सही व्यवस्था है और ना ही यहाँ रसोई घर में खिड़की और दरवाजे की व्यवस्था है। आज मैंने खाना बिना गैस के कोयले पर बनाया, सिलेंडर तो है लेकिन उसमें गैस ही नहीं है। आने वाले समय में हम लोगों को और परेशानी ना झेलना पड़े इसके लिए आप लोगों से गुहार है कि इसमें दरवाजा खिड़की और नल जल की व्यवस्था भी परिपूर्ण कर दी जाए जिससे हम लोगों की समस्या समाप्त हो जाए। क्या नाम हुआ मैडम आपका? और ये आप अभी जहाँ खड़ा है उस जगह का क्या नाम है? जैसे कौन से विद्यालय का रसोई आप हैं? एक बात बताएंगे, आपके रसोई घर में ना खिड़की है ना दरवाजा है तो फिर इस समस्या का निदान कैसे होगा? जब आप लोग अगर कहीं कुछ करने के लिए जाते होंगे तो फिर कोई दिक्कत तो जरूर होती होगी आपको। एक आदमी रहो ये सर की कोई डाल न दे, कुछ डाल देते तो रसोई पर नहीं आती पड़ते सर की, रसोई कर दिया है काम। सरो बोलने लगो फिर सब बोलने लगो फिर सर रसोई पर दबाव पड़ जाए सर। कैसा दबाव की मतलब कि आप लोग खाना बना रहे हैं तो देगा नहीं बच्चा, यहाँ पर देखभाल झाड़ के बढ़िया से रखते हैं, खाना साफ सफाई रखते हैं सर। क्या नाम हुआ मैडम आपका? क्या समस्या है यहाँ? चूल्हा पर बनाते हैं सर, सिलेंडर धरा ले देते हैं। सिलेंडर धरा हुआ है लेकिन आपको मिलता नहीं है? अभी आज किस चीज पर आपने खाना बनाया? अच्छा, ये आपका किचन में ना तो दरवाजा है ना खिड़की पर, सामान रखते कहाँ? आपका क्या नाम हुआ मैडम? क्या बोले? बिमला देवी। अच्छा, यहाँ खिड़की और दरवाजा नहीं है, क्या कहेंगे आप? खाना बनाते होंगे क्या क्या दिक्कत आती होगी? सब दिक्कत है सर, खुला सर, बहुत कम से चला के एकदम सब काम हो गया है। नल जल की व्यवस्था नहीं हुआ यहाँ? क्या बोले मैडम? कल खराब हो गए सर तो दूसरा जगह से पानी लाके तो नल जल यानी कि जीरो के बराबर हो गया यहाँ? क्या तो पहुँचा नहीं यहाँ तक अभी? चलिए मैडम, अगर मान के चलिए इसमें खिड़की और दरवाजा लग जाए तो समस्या कैसे मतलब आप लोगों का समाधान हो जाएगा? खिड़की दरवाजा तो है, टंकी बैठा देथिन सर, यदि नल जल से कर देथिन सर, साधन कर देथिन सर, ठीक। तो सामान आपको यानी कि स्कूल परिसर में रखना पड़ेगा, सामान आपका यहीं पर आएगा। और ऐसे क्या दिक्कत होगा अगर मान के लिए सामान यहाँ रह जाए तो? ऐसे दिक्कत हो जाए सर कि ले ले है, चोरी हो जाए सर यहाँ से।